हाय मैं हूँ जस्सी गिल और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिने स्नीक्स। हाय मैं हूँ मुदस्सर अजीज और आप मुझे देख रहे हैं सिने स्नीक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिने स्पीक्स पर। तो जस्सी, ये आपकी डेब्यू मूवी है, बॉलीवुड में आपका डेब्यू हो रहा है, और हैप्पी फिर भाग जाएगी जो सीक्वल था हैप्पी भाग जाएगी का, सो उसने ऑलरेडी काफ़ी बेशुमार तारीफें हासिल की हैं। तो आपको मतलब कैसा लग रहा है मूवी के साथ जुड़ने के? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक ऐसी फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला जो अपने आप में बहुत बड़ी हिटर लगे, उसके सीक्वल में काम करने का मौका मिल रहा है। मतलब यू नो कि मैं बहुत लकी कि मुझे मेरा डेब्यू हो रहा है वो इतनी अच्छी टीम के साथ हो रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है जो ऑलरेडी हिट है। तो मुदस्सर सर, सोनाक्षी सिन्हा को ऑन बोर्ड लेने का ख्याल कैसे आया? ऐसा है कि जब ये कहानी गढ़ी गई तो उसमें हमने रियलाइज़ किया ये कहानी की जो कॉमेडी है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी पे बेस्ड है। जब आप किसी और को कोई और समझ लेते हैं तो मिस्टेकन आइडेंटिटी पे बेस्ड होने के साथ साथ ये बात तो इमीडिएटली क्लियर हो गई थी कि इसमें एक नहीं दो आए, क्योंकि वरना मिस्टेक आइडेंटिटी आप करेंगे। तो जब दूसरी हैप्पी का ख्याल आया जो पहली हैप्पी के लिए मिस्टेक हो गई है, तो मेरे पास उस वक्त मेरे जहन में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा कोई सुझा ही नहीं। वो इस किरदार के बहुत नज़दीक की एक्टर हैं, जबान की बड़ी साफ है। हम कई इंटरव्यूज़ में ये बात पहले कर चुके और कह चुके कि वो बहुत पंजाबी लगती हैं अपने हाव भाव में और अपनी बोलचाल में। तो और उनकी कॉमिक टाइमिंग जो इस जैसी फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो बहुत इंटैक्ट है। शी इज़ अ वेरी स्मार्ट कॉमिक एक्टर। तो दैट्स व्हाई एक हमेशा ना डायरेक्टर के मन में एक लालच होता है कोई एक्टर के साथ काम करने का, तो मेरे दिल में हमेशा से सोनाक्षी के साथ काम करने का एक लालच रहा है, तो इसलिए शी देन बिकेम द ऑब्वियस चॉइस। ओके, सो जस्सी, आपकी फर्स्ट मूवी है और सोनाक्षी और पीयूष जैसे सीनियर एक्टर्स के साथ हो रही है, तो सेट्स पे क्या क्या सीखने मिला इनसे, क्या क्या हुआ, कुछ एक्सपीरियंस बताइए। बहुत चीज़ें, खास करके मैं जिमी बाजी के लिए बोलना चाहूँगा कि मैंने वो पंजाब से हैं, मिला हूँ उनको इससे पहले, हमने इकट्ठे काम नहीं किया था। मेरा बहुत देर से इच्छा थी कि पंजाबी फिल्म करेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे डेब्यू में मेरे साथ होंगे वो, और मेरे डेब्यू में उनकी इतनी सपोर्ट रही है साथ में कि जैसे बोल सकते एक बड़ा भाई वैसा रहा है काम। तो एक तो हमारा सरनेम सेम है, हम सेम फैमिली से हैं कहीं ना कहीं से। तो आपने डायलॉग भी सुना था फिल्म में कि अगर तू गिल है तो मैं शेर गिल हूँ, तो उनकी बहुत सपोर्ट रही है। और पीयूष मिश्रा जी, सोना, इन सबके साथ मैं थोड़ा डरा हुआ था पहले, मुझे ये था कि पता नहीं कैसे होंगे, पहला दिन कैसा जाएगा, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी धड़कन तेज थी, पर इन सबके साथ काम करके मुझे ये फील हुआ कि ये जितने बड़े हैं उतने दिल के साफ हैं। मतलब इन्होंने मुझे, सब ने इतनी सपोर्ट की है, इतना कुछ सिखाया है शूट के दौरान, चाहे मुदस्सर सर हो गए, सारी कास्टों में। तो फिर से मैं तो वही बोलूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे इन लोगों के साथ डेब्यू करने का मौका मिला, क्योंकि तो इतने सीनियर हैं, इनके साथ आपको काम करके वैसे ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, काम का तो मिलता ही है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे उनको देख के ये पता चली कि इतने बड़े स्टार होके इतना हम्बल रहना कैसे, और क्योंकि जब आप इतने बड़े बन जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको जब कैसे आप लोगों को मिलते हो, ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी है कि आप कैसे लोगों को मिलते हो, कैसे मैं जैसे मैं नया था इंडस्ट्री में नया आया था वहाँ से, तो मेरे लिए मुझे उनको मिल के ये नहीं फील हुआ कि मैं नया हूँ। उन्होंने मुझे ये फील करवाया कि जैसे हम हैं इस फिल्म के लिए वैसा तू है, आर्टिस्ट है, हर एक चीज़ में बहुत सपोर्ट किया सर। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे इन सब के साथ फिल्म करने का मौका मिला मूवी पहले। आप पंजाब में, आपने पंजाबी में काफ़ी सारे गाने लिखे जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं, काफ़ी चार्ट बस्टर हुए, तो क्या इस मूवी में हमें आपका कोई गाना? मेरा गाना सुना होगा आपने, जो चिन चिन चू जो हमने रिक्रिएट किया है, मैंने सोनाक्षी ने गाया है उसके साथ। तो मैं पूछ रहा था कि वो गाने का, गाने के दौरान वो एक्सपीरियंस क्या था, वो जो गाना जब आपने बनाया तो, और जब गाना बनाया सर ने लिखा हुआ है गाना, वो हमारी बहुत ऐसी कोशिश थी कि पंजाबी गाना बनाना है, तो सर ने बोला कि चिन चिन चू हम रिक्रिएट करेंगे गाना,
सर ने लिखा और कंपोज ऑलरेडी हुआ था मेरे पास आया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सर को बोला मैं कर दूंगा ये। तो हम गए रात को स्टूडियो, 1:30 बजे गए थे हम, 15-20 मिनट में हमने गाना गा दिया वो, क्योंकि वो गाने का टोन जो टिपिकली पंजाबी है और वर्डिंग ऐसी थी और कंपोजिशन वो बड़ी कैची है, वो जब बंदा एक बार सुनता है तो उसको गुनगुनाता रहता है बार बार। अभी मेरे को जितने मैसेजेस आ रहे हैं सब लोग यही बोलते हैं कि वो कैची है, दिमाग में अटक जाती है जी। तो बहुत अच्छा गाना है, तो मैं बड़ा फिर से वही कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा बॉलीवुड डेब्यू एक्टिंग में भी सोना के साथ हो रहा है और सिंगिंग में भी सोना के साथ। ओके तो हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी का जो हैप्पी भाग जाएगी का जो सीक्वल है वो पहले से प्लान था या वो हैप्पी भाग जाएगी के सक्सेस के बाद डिसाइड हुआ? नहीं, पहले से प्लान बिल्कुल नहीं था और एक्चुअली दोनों ही सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि वो सक्सेस के बाद भी प्लान नहीं हुआ और वो पहले से भी प्लान नहीं था। वो आया इस तरह के राय साहब की और मेरी रिलेशनशिप थोड़ी सी फनी टाइप की है, हम बिना कहानियों को हमसे बात करने देते हैं, कहानियों को बिल्कुल एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम अक्सर कहानियां आपस में बहुत डिस्कस किया करते हैं। तो मैं एक कहानी पे काम कर रहा था उन दिनों, उसके बीच में मुझे कहीं राय साहब के साथ बैठे हुए एक ख्याल आया, मैंने उनसे वो ख्याल शेयर किया, हम उस ख्याल पर बहुत हंसे, मुझे लगा रात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन पता नहीं क्यों उनके दिमाग में वो ख्याल अटक गया था और मुझे दोपहर को बुलाया, मैंने कहा कि वो जो तूने मुझे सुनाया था वो बहुत कमाल लग रहा है, तो जो जिस पे तू अभी काम कर रहा है उस पे काम मत कर, उस पे काम करना शुरू कर दे। और वो ना एक डायरेक्टर के लिए खुशखबरी भी होती है एक तरीके से कि यार मेरी फिल्म में लोग इतना बिलीव कर रहे हैं कि मुझे ही वो प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि सीक्वल बनाओ, उसी के साथ एक हल्का एक थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार मैं किसी और कहानी पर काम कर रहा था, मुझे अब फ्रेश तरीके से काम करना पड़ेगा नई कहानी पर। मगर उतना ट्रस्ट फैक्टर हम दोनों के बीच है एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, राय साहब और मैं एक दूसरे पर भरोसा उतना करते हैं कि हमको जब एक दूसरे के मुंह से ये सुनने मिलता है कि ये कहानी ठीक लग रही है, सही लग रही है, तो फिर हमारा कन्विक्शन एक हो जाता है। तो इस तरह उसका सीक्वल है। जस्सी को ऑन बोर्ड लेने के से पहले आपके दिमाग में इनको लेके क्या था, मतलब कि इन्हें क्यों लिया आपने मूवी में इनसे? इसलिए क्योंकि खुशवंत सिंह गिल जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं वो अव्वल तो एक पंजाबी बंदा है, सरदार है, जो शंघाई में इंडियन एम्बेसी में काम करता है, इंटरप्रेटर का जॉब करता है। मेरे दिमाग में हमेशा से वो विजुअल था, एक सरदार लड़का जो फ्लुएंटली चाइनीज बोल रहा है, और मुझे वो विजुअल और वो आइडिया बड़ा फनी लगता था हमेशा से। तो अब जाहिर है कि अगर आपको इसको ऑडियंस तक ऑथेंटिकली ले जाना है, इसको ओरिजिनली ले जाना है ऑडियंस तक, तो आप किसी को कास्ट करके आप सरदार बना दो और वो करो, तो फिर वो जो उसकी जो जेन्युइननेस है, जो नेचुरल जो फीलिंग है, जिस फ्रेशनेस की लोग बात कर रहे हैं ट्रेलर देख करके, वो फ्रेशनेस नहीं रहती। लोग साफ कह देते हैं कि भाई ये तो कोई भगवान के आ गया, ये लड़का सरदार नहीं है या ये पंजाबी ठीक नहीं बोल रहा है। तो मैं मेरे दिमाग में ये था कि आई वॉन्टेड टू कास्ट समबडी जेन्युइन। जस्सी का उन दिनों एक वीडियो आया हुआ था, या उन दिनों उससे पहले एक वीडियो आया हुआ था नफरे नाम का, जिसके पहले एक सीन था छोटा सा सीन, वो सीन मैंने देखा जब मैं रिसर्च कर रहा था ट्राइंग टू लुक फॉर एक्टर्स, और वो सीन देख करके मुझे लगा कि ये लड़का सिंगर तो खैर है ही बहुत अच्छा माशाल्लाह, मगर ये लड़का एक्टर भी बड़ा था, क्योंकि वो सीन ट्रिकी था, आसान सीन नहीं था उनका। और वो सीन खुशवंत सिंह गिल का जो कैरेक्टर मेरी फिल्म में है उससे बहुत नज़दीक का सीन, तो वो देखने के बाद मैंने राय साहब को भी वो दिखाया था वीडियो, और मैंने उनको बोला ये लड़का मुझे करेक्ट लग रहा है, राय साहब का मेरा जैसे मैंने आपको बताया, वो हमेशा ये कहते हैं यार तुझे सही लग रहा है। तो मैंने आई जस्ट कॉल्ड ऑन जैसे गिल, आई टोल्ड हिम कम टू बॉम्बे, आई वांट मीट यू एंड आई वांट टू टॉक टू यू, मेरा पहले एक शाम को मिले, दूसरी सुबह ये आए, टेस्ट दिया, मैंने टेस्ट पूरा शूट भी नहीं किया था, आधा टेस्ट शूट करते हुए पहला शॉट जब ओके किया मैंने, इन माई हेड आई न्यू दैट आई वॉन्टेड टू वर्क। चलिए ठीक है, आपका लाइक सिंगिंग में भी बेहतरीन हो आप, अभी एक्टिंग में भी ट्रेलर में हमने देखा आपको बहुत सराहा जा रहा है, आपका पहला प्यार क्या था, सिंगिंग या एक्टिंग? मैं हमेशा बोलता हूँ कि बंदे के अंदर ही होती हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमें पहचाननी पड़ती, जिसकी हम बात करते हैं, जिसके लिए हम स्कूल भेजते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं कि आप किसी को गुरु बनाओ किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें अंदर होती हैं, वो निकाली जाती हैं। तो सिंगिंग ऐसी चीज़ थी जो मुझे पता था हमेशा से कि मैं गा लेता हूँ, मुझे ये था कि अच्छा मैं ठीक ठीक गा लेता हूँ,
एक्टिंग कैसे शुरू हुई? एक्टिंग शुरू हुई जब वो गाने गा के टीवी पे लेके आने, उसकी वीडियो बनानी, जब उस टाइम पे जब मेरा जब मैं आया हूँ इंडस्ट्री में, उस टाइम गाने की वीडियो बनती थी और जिसकी एक आपको स्टोरी बनानी पड़ती थी कि जो गाने को पेश करे, दिखाए कि इस गाने में क्या बात हो रही है, क्या बोलना चाह रहा है। तो उस दौरान शुरू हुआ है सब, क्योंकि गाने एक टाइप के नहीं बनते, गाने अलग, कोई खुशी का गाना है, कोई सैड गाना है, कोई रोमांटिक है, किसी में क्या, तो उसमें अलग अलग करेक्टर्स होते थे कि किसी में किस तरीके का होता था स्टोरी क्या, तो उससे क्या हुआ, उससे वो चीज़ निकलनी शुरू हो गई अंदर से। ऐसा होगा कि अच्छा ऐसा करेक्टर करना है, थोड़ा पेंडू लड़का बनना है, थोड़ा शहरी होना है, तो वो चीज़ों से वो चीज़ निकलनी शुरू हुई। तो मुझे एक फिल्म ऑफर हुई पंजाबी की, मिस्टर मिसेस 420, जिन्होंने मुझे पहले कास्ट किया, तो उसके बाद फिर मुझे खुद फील होना शुरू हो गया कि यार मैं कर सकता हूँ ऐसी चीज़। तो ये करते करते अभी फिल्में की और गाने किए, जैसे अभी सर ने ही बताया कि उन्होंने मेरा गाना देखा था, उसमें मैंने सीन किया था, जो तो ये चीज़ें करते करते फील होना शुरू हो गया और मैं और इस पर मेहनत करनी शुरू कर दी और फिल्में करनी शुरू कर दी, सीखना देखना शुरू कर दिया कि और क्या कर सकते हैं। ऐसे करते अभी तक चल रहा है और आगे भी सीखते जाएंगे, देखते जाएंगे जो कुछ अच्छा होगा। बट आपने उनका जवाब नहीं दिया, उसने कि मोहब्बत आपकी क्या है? हाँ, सिंगिंग क्या है? सिंगिंग मेरा पहला प्यार है, पर फिर से वही बोलता था कि कई चीज़ें आप जैसे होता है कि आप ऐसे नहीं चूज नहीं कर पाते कि कौन सी ज़्यादा कौन सी कम। इस टाइम पे जो कुछ अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं एज एन एक्टर बैठा हूँ, तो मुझे मैंने फिल्म की है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं एक्टिंग को प्यार तो मुझे अभी दोनों में मज़ा आना शुरू हो गया। पर हाँ, अगर पूछा जाए तो मुझे गाने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे स्टूडियो में गाना बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो चीज़ मेरे हाथ में होती है, वो चीज़ मैंने बनानी होती है, मतलब उस चीज़ का मुझे मज़ा बहुत। बेसिकली सिंगिंग इनकी महबूबा है और एक्टिंग से शादी मैंने करा। परफेक्ट। तो पंजाब में आपको बहुत सारा, बहुत प्यार करते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं आपको, एंड अभी दिलजीत पाजी का भी वही है कि दिलजीत पाजी को भी पंजाब से आए थे, अभी बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया सुरमा, जिनको काफ़ी सराहा है लोगों ने, तो इंशाल्लाह आपकी ये मूवी भी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो उसके बाद बॉलीवुड में क्या प्लान्स हैं आपके? आप वापस पंजाब में पंजाबी मूवीज़ करना चाहोगे या बॉलीवुड में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहोगे? नो डाउट मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, पर अपॉर्चुनिटीज की बात है, जैसे मैंने तो ये भी नहीं सोचा था मैं कभी फेमस सिंगर बनूंगा, मेरा नाम होगा। मैं तो हमेशा से ऐसे करता आया हूँ कि मैं जो भी मुझे काम मिला है करने के लिए, मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करता हूँ। मुझे ये होता है कि अगर मुझे ये काम मिला है तो मैं अपना अच्छे से अच्छा कर पाऊँ उस चीज़। तो ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा फंडा है और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने काम को निखारते जाओ और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको, उसके लिए मेहनत करते जाओ, उसको लेके उनके लिए काम करते जाओ, और अगर अच्छा होगा, अच्छा काम लगेगा, लोगों को आगे सर। हैप्पी भाग जाएगी पाकिस्तान में फिल्माई गई थी और पाकिस्तान में शूट भी, पाकिस्तान में रिलीज़ भी हुई थी मूवी, लेकिन कुछ वजहों से पाकिस्तान में मूवी बैन हो गई थी। तो अब ये मूवी चाइना में रिलीज़ हो रही है और चाइना पे बनी है, चाइना में रिलीज़ करने का भी आपका ख्याल होगा, तो मैं आपको लिखित दे सकता हूँ ये फिल्म भी चाइना में बैन। तो क्या है, मैं ये ना बात पहले भी मीडिया के लोगों से कह चुका हूँ कि दरअसल खुद पे हंसने के लिए और किसी के साथ एक सेंस ऑफ ह्यूमर शेयर करने के लिए ना, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी हिम्मत का काम है। अगर ये मेरे ऊपर कोई जोक क्रैक करे तो मेरे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि मैं वो जोक अपने ऊपर ले सकूँ, तभी मैं इनके ऊपर जोक क्रैक करूँगा तो ये ले पाएंगे। अब दरअसल ये हिम्मत ना हमेशा आवाम में होती है, बिल्कुल ये हिम्मत सरकारों में नहीं होती। सरकारों को कई बातों का खौफ होता है, बिल्कुल। तो अगर आप हैप्पी भाग जाएगी देखें, मतलब इतना प्यार लोगों ने पाकिस्तान में उस फिल्म को दिया, हालांकि सरकार ने वो फिल्म रिलीज नहीं होने दी। सरकार अपने रीजंस जानती है, आवाम अपने रीजन जानती है, तो चाइना के लोगों से क्या प्यार मिलेगा ये, इसका जवाब मैं आपको हाँ में दे सकता हूँ, मगर उसी उसमें मैं आपसे कह सकता हूँ कि क्या सरकार को ये फिल्म अच्छी लगेगी, मैं नहीं जानता, बहुत मुश्किल है बताना। तो ऐसे कुछ मेजर्स आप लेंगे ये फिल्म चाइना में रिलीज करने से पहले कि आपको लगे कि ये सरकार, वहाँ की सरकार ये फिल्म को मंजूरी दे देगी? हमने लिखते हुए नहीं लिए, तो रिलीज करते हुए हमने लिखते हुए सिर्फ एंटरटेनमेंट पर ध्यान दिया, तो रिलीज करते हुए सिर्फ एंटरटेनमेंट पर ध्यान देंगे, बाकी
जो माई बाप लोग बैठे हैं वो डिसाइड करें, हमारा काम फिल्में बनाना है, लोगों को एंटरटेन करना मकसद है बस। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मूवी के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।